नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ। हर शब्द में, हर वाक्य में बड़े तीव्र कंपन होते हैं। वो कंपन कैसे प्रयोग पता चलते हैं हमें? उन शब्दों के साथ जो हमारे भाव मिले हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं ना जिन्हें हम समझते ही नहीं, तो वो फीलिंग लेस रहते हैं। वर्ड कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम समझते हैं। जैसे हिंदी भाषा में हम किसी जापानी आदमी को गाली दे तो उसे जरा भी बुरा नहीं लगेगा, वो बोलेगा इट्स ओके, है ना? क्यों? क्योंकि उन शब्दों के साथ हमारी समझ और हमारे भाव, हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है। जिन शब्दों को हम समझते हैं उन्हीं शब्दों से हमारे अंदर वाइब्रेशन और कंपन पैदा होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। इसको ऐसे समझो आप कि जैसे कहीं एक पत्थर पड़ा हो और कुछ लोग उसकी पूजा करते हो, कुछ लोग उस पर फूल चढ़ा रहे हो और सब लोग माथा टेकते हो, तो हमारे भी भाव उस पत्थर के प्रति पैदा हो जाते हैं कि यही पत्थर भगवान है और हम भी उससे प्रार्थना और पूजा करने लगते हैं। लेकिन जो सदियां सदियां हो गई किसी ने पूजा पाठ नहीं किया उस पत्थर पर, वो ऐसे उपेक्षित पड़ा है, तो उस पत्थर को लेकर हमारे मन में कोई भावना नहीं पैदा होगी। हम जाएंगे उस पर बैठ जाएंगे, गप्पे लगाएंगे, कोई फीलिंग नहीं आती। तो सारा का सारा खेल किसका है? भावनों का। शब्दों में लिपटी हुई भावनाएं हमारे जीवन में अनोखे कंपन पैदा करती हैं, है ना? किस शब्द से हमारी भावनाएं कितनी वाइब्रेट होती है, ये हमें रिसर्च करना चाहिए। तो ऐसे तमाम शब्द, ऐसे तमाम वाक्य आप निर्मित कर सकते हो, सुन सकते हो, लिख भी सकते हो बार बार। तो ऐसा एक अद्भुत अफर्मेशन, एक अद्भुत वाक्य मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप हिंदी भाषी हो, हिंदी समझते हो, तो आप इस सेंटेंस को पकड़ लोगे। मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा जीतूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा जीतूंगा। एक एक शब्द पर जो मुझे, यानी कि मैं, विश्वास है, ये भी कंपन पैदा करेगा कि मैं हमेशा जीतूंगा। अगर यही सेंटेंस हम किसी हिब्रू वाले अरेबियन को या जर्मन को या किसी अंग्रेज को बता दें तो उससे कोई वाइब्रेशन पैदा नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, इन शब्दों से हमारी भावनाएँ लिपटी हैं। तो इनको क्या करना है? पूरी भावना के साथ पूरा महसूस करके फिर बोलना है, मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा जीतूंगा। आप समझ रहे हो? अफर्मेशनों के पीछे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, पॉजिटिव एटीट्यूड के पीछे, सभी के पीछे जो गहरा रस छुपा हुआ है वो किसका है? भावनाओं का। कोई भी विचार, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंसेस आपको उतना ज्यादा आंदोलित करते हैं जितना ज्यादा आपकी भावनाएं उन शब्दों से, उन वाक्यों से जुड़ी हुई होती है। यही अफर्मेशन का रहस्य है, यही पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूह है, उसकी जान है। तो जब आप शब्दों के पीछे छुपे कंपनों को समझ लेते हो, ये भावनाएं क्या करती हैं? वाइब्रेशन पैदा करती हैं, सूक्ष्म कंपन पैदा करती हैं जो उस चीज़ को आपकी तरफ आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा जीतूंगा, इस सेंटेंस को आप लिखकर दीवार पर चिपका सकते हो, अपनी नोटबुक में बार बार लिख सकते हो, अपने मस्तिष्क में बार बार आप इसको रिपीट कर सकते हो। अब मुझसे अपनी अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग भी बनवा सकते हैं। शब्दों के तीव्र कंपन हमारा पूरा जीवन बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। आप मानो या मत मानो, हम सब कुछ और ही और नहीं, कुछ अच्छे शब्द और कुछ बुरे शब्दों का परिणाम है। कुछ बुरे शब्द, कुछ बुरे वाक्य जो हमने बचपन में सुन लिए, हम उनका रिजल्ट है। कुछ अच्छे वाक्य, कुछ अच्छे शब्द, कुछ अच्छे विचार जो हमने कुछ अच्छे लोगों से सुन लिए, हमारी सफलताएं उसका परिणाम है और कुछ भी नहीं। तो अपने आप को वाइब्रेट करने के लिए अच्छे शब्द, अच्छे वाक्यों को निर्मित किए करें, उन्हें दीवारों पर लिखकर अच्छे पेन से चिपकाएं, उन्हें अपनी नोटबुक में बार बार लिखें, उनको अपने मन मस्तिष्क में दोहराएं और आप देखोगे बहुत जल्दी भावनाओं और शब्दों के वाइब्रेशन ने आपका जीवन बदलना शुरू कर दिया। ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, अनुभूत है, आपको भी इसके तमाम अनुभव हुए होंगे। कृपया वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोज़ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।